फाइनली असिस्टेंट चलाने की एक और नई वीडियो आ गई है, मैं कब से वेट कर रहा था। नमस्ते, मेरा नाम राजा गोपाल होता और आज एक और मैं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर आता था। आज मैं जिस वीडियो क्रिएट करने जा रहा हूँ उस वीडियो का नाम है द मम्मी रिटर्न्स। ये असिस्टेंट चलाने की तरफ से एक और नया वीडियो आया बहुत दिनों के बाद, तो देखते हैं कैसा होता है क्या होता है माँ बेटे का स्टोरी। तो बिना किसी देरी के रिएक्शन शुरू करेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, सपोर्ट करो मुझे प्लीज यार। तो बिना किसी देरी के रिएक्शन शुरू करते हैं। आई होप सो अच्छा हो, स्टार्ट पढ़ना। ओके स्टार्ट करते हैं तमिल बोला। कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। आशु सो रहे, मेरा बच्चा सोए भी नहीं। आशु तू सो गया? हाँ मम्मी। तो सो ना। पंक। हाँ। ओ। अरे क्या हो गया? तंग कर रही है। मेरे को एक बात बता, ये कोई टाइम है साफ सफाई करने का? इधर गरीब को सुबह से नींद नहीं आई है, थोड़ा धीरे है मम्मी प्लीज। तू एक काम कर बेटा, तू सो जा। मम्मी मैं आऊ मदद करने। अरे बेटा मैं सच्ची कह रही हूँ, सो जा। शर्म नहीं आती तेरे को? इधर तेरी माँ काम कर रही हो, तेरी माँ के सामने तेरे को सोना है? और ये क्या है, पूरे बिस्तर पे खाना क्यों फैला के रखा है? तू कुत्ता है? ऐसा खाना रख के रगड़ रगड़ के पूरे बिस्तर में कौन खाना खाता है? मेरे को तो इंसान का बच्चा चाहिए था, पता नहीं कुत्ते का बच्चा कहाँ से पैदा हो गया। वो सब तो ठीक है, आप पापा को कुत्ता क्यों कह रही हो? एग्जाम्पल दे रही थी मैं, तेरे बाप को कुत्ता नहीं बोला। और ये कपड़ों का ढेर इधर क्या कर रहे हैं? मॉल की सेल लगी हुई है। अरे मम्मी जगह नहीं थी इसलिए उधर रख दिया। तो कबड़ में कौन सी लाशें भरी पड़ी है? कबड़ में रखो कपड़े, कबड में जगह नहीं है। क्यों पहन दो इतने कपड़े, दिन में चार चार जोड़ी कपड़े पहनते हो तुम लोग? अरे यार मम्मी तू ही तो बोलती है घर पे मेहमान आते इसलिए नए नए कपड़े पहन के बैठा करो, इसलिए चार चार कपड़े पहनने पड़ते हैं यार। नहीं तो क्या तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे कि चंचलानी की जो घर की माँ है वो अपने बच्चों को कपड़े देती नहीं है? ऐसे फकीरों की तरह बालों वाली टांगों में चड्डे लगा के बैठते। मम्मी मेरे दोस्त ये घर की बातें अपने घरों में नहीं करते। क्यों, तू अपने दोस्त की घर की बातें इस घर में नहीं बताता? उस दिन तू मेरे को बता रहा था कि रवि की माँ ने रवि के बाप के छाती के बाल ट्रिमर से उड़ाते उड़ाते ऊपर पूरी उसकी नाक काट दी। तुम्हें लगता है कहानी उल्टी सुनी थी? ट्रिमर जो था वो ऊपर नहीं नीचे गया था और नाक नहीं कुछ और कटा था। साला तीसरी चप्पल कहाँ से आई? और ये इतने कपड़े पड़े हैं तेरे पास, तो उनको दान क्यों नहीं कर देता है? मम्मी है ही कितने कपड़े, कितने लोगों की मदद हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, तेरी एक टी शर्ट चार बच्चों को फिट आ जाएगी, काट काट के पहनेंगे सब। गलती से अगर मैंने तेरा कभी कुर्ता दे दिया ना किसी को, तो पूरा परिवार उसे कंबल बना के सो जाएगा। ये बहुत गलत बात है, आप मेरे को ऐसे फैट शेम नहीं कर सकती। मैं हैशटैग चलाऊंगा ट्विटर पे फैट शेमिंग मम्मी तेरी। तो यार मम्मी इतने चप्पल ला कहाँ से रही हो यार? Are you god of चप्पल्स? और ये कबर क्यों खुला रखते हैं? तेरे को मैंने कितनी बार बोला है बंद रखा कर, चोरियां हो जाएगी। हाँ तो चार चांदी के चम्मच और दो कटोरों के अलावा आपने दिया ही क्या है मुझे? कौन सा खजाना छुपा कर रखा है मैंने तो चोरी हो जाएगा? तूने मेरा कबर देखा है, उसमें कितना गोल्ड पड़ा रहता है? बंद रखती हूँ ना, ऐसे फाड़ के रखूंगी तो सड़क पे आ जाएंगे हम लोग। अरे मम्मी कितनी बार बोला है, छोड़ो ये सब, थोड़ा मॉडर्न हो जाओ जिंदगी में। मॉडर्न हो जाओ मतलब क्या? तेरे बाप को डिवोर्स दे दूं? अरे मेरा कहने का ये मतलब है कि छोड़ो अभी सोने वोने में इन्वेस्ट करना, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करो। वैसे भी कितना खोदोगे धरती को, सोना ही खत्म हो गया है। डिजिटल गोल्ड, आजकल डिजिटल गोल्ड भी आने लगा है। अरे हाँ मम्मी, इसे आप अपस्टॉक्स गोल्ड में ले भी सकते हो। आपको पता है अपस्टॉक्स गोल्ड इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स है। इस पे आप डिजिटल गोल्ड खरीद या बेच सकते हो ऑनलाइन इजीली। बेटा तुम बुखार हो ना, मेरे सारे पैसे खत्म कर दिए, अभी मेरे पास और लाखों रुपए नहीं है इसमें डालने के लिए। अरे मम्मी आप इसमें मिनिमम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मिनिमम मालूम है कितना होता है? आप लोग जो मुझे पॉकेट मनी देते हो ना उसको डिक्शनरी में मिनिमम बोलते हैं। हाँ मम्मी, और इसमें नॉर्मल गोल्ड की तरह 5-8% मेकिंग चार्जेस भी नहीं लगते, सिर्फ 3% जीएसटी लगता है। और ये जो डिजिटल गोल्ड होता है ना, इसे सेफ वॉल्ट में सिक्योर रखा जाता है, तो गोल्ड के सिक्योरिटी की टेंशन ही नहीं। ये सही है, अभी आप अपस्टॉक्स गोल्ड डाउनलोड करो, इसमें अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना आप। बेटा इसमें तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगी, लेकिन सुबह को जल्दी उठना, साफ सफाई करना, सुअर पना नहीं करना, इन चीजों में तू कब इन्वेस्ट करेगा? इतना में मर जाओगी फिर तेरे को पता भी नहीं चलेगा, एक तो काम वाली भाई भी नहीं आई है, मर जाओगी इस घर में। फिर वही पहले पार्ट का डायलॉग। हायरिंग हायरिंग काम वाली बाय। नेक्स्ट। नमस्ते मैडम, प्लीज हैव अ सीट। बता व्हाट इज योर नेम? शांता देवी पोचले। शांता देवी भोसले पोचले। तेरे सरनेम में पोचले?
काफी डेडिकेटेड काम वाली बाई है तू. व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? मैडम क्या होता है ना, जो ऐसा काम वाली बाई का अपॉर्चुनिटी. ए चल ना, पका मत ना, हर काम वाली बाई यही बोलती है. असली बात बता ना. पैसा, पगार. Why were you fired from your last job? अरे मैडम क्या बताऊँ, पहली वाली मालकिन थी ना, मैंने उनका मंगलसूत्र पहन लिया तो मुझे निकाल दिया काम से. मतलब तेरे को चोरी के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, मैंने उनका मंगलसूत्र पहना ना तो उनको लगा उनके पति के साथ मेरा चक्कर चल रहा है. तो अफेयर के चक्कर में निकाला? नहीं नहीं, वो तो मैंने उनको बोला था कि ये मंगलसूत्र बाजू वाली पिंकी भी पहनती है, तो उनका डिवोर्स हो गया. अब घर नहीं तो भाई क्या करेगी उधर. देख अभी मैं तेरा थोड़ा टेस्ट ले गया ना, एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप. अगर तूने टेस्ट पास किया तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे. ठीक है? ठीक है मैडम. चल बताइए कितना बजा है? 3. ये कितना बजा है? 4. ये कितना बजा है? 8. चल मतलब तेरे को टाइम पढ़ने आता है, मतलब तू टाइम का बहाना नहीं देगी मेरे को. शिट, तो टाइम पे आना पड़ेगा. ऐसे थोड़ी इंटरव्यूअर है मैं आज. चल बता व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? मैं एक हाथ से पोछा मार सकती है. फेल. क्यों? पिछली काम वाली भाई बिना हाथ के पोछा मारती थी. पैर से. अरे वो तो एक हाथ से झाड़ू मारती थी, एक पैर से पोछा मारती थी और दूसरे हाथ में आशू को संभालती थी. एक बार तो बाथरूम साफ करते करते आशू को कमोड में गिरा दिया. टुपुक. तब से आशू को कमोड का फोबिया है. व्हाट आर योर वीकनेसेस? सासू मां. मी टू. हाउ डू यू प्रायोरिटाइज योर वर्क? मैडम मैं सुबह उठ के अपने घर पे झाड़ू पोछा नहीं मारेगी, पहले आपके घर पे मारेगी. सैक्रिफाइस. नहीं नहीं, मेरे घर पे 3,000 वाली काम वाली बाई रख लिए मैंने. चल बता व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट? मैडम मेरे ना 3 बच्चे. हाँ बस समझ गई, तेरा पूरा पैशन समझ गई मैं. सैलरी कितनी लोगी, डिस्कस कर ले. देखो आपका 4 कमरा है, मतलब 4 कपड़ा जोड़ी, पूरा पैकेज मिला के 25,000. 25,000? तू क्या कंप्यूटर पे बर्तन धोती है? मेरे को 25,000 दूं मैं? मेरा बेटा इंजीनियर होके 22,000 कमाता है. ठीक है फिर 22,000 दे दो. ठीक है 18,000 में डन. मैडम 20. ठीक है बाबा तू इतना कहती है तो 16,000 में डन. मैडम पगार है कि शेयर मार्केट, अब तो नीचे ही गिरते जा रहे हो. ए चल तेरे को दिवाली के बोनस के साथ 15,000 देगी. 15,000 फाइनल. ठीक है 9 बजे आ जाएगी. कांग्रेचुलेशंस, यू आर हायर्ड. थैंक यू मैडम. डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? एक क्वेश्चन है, वो जो गेट है ना उस पे लिखा है बी अवेयर ऑफ डॉग्स, तो घर पे कुत्ता उत्ता तो नहीं है ना? अरे नहीं, वो मेरे पति के लिए लगा के रखा है. इस घर का कुत्ता वही है, वही भोंकता है, वही काटता है. लेकिन तू टेंशन मत कर, तेरे पे भोंका तो मैं उसको काटेगी. ठीक है? ध्यान से देखिए अपने वातावरण में किस तरह से जुर्म की नई परिभाषा रची जा रही है. किस तरह से जुर्म की ना कोई सीमा होती है और ना कोई बबीता. माली, पति, दोस्त, बेटे का दोस्त, इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना. सावधान रहे, सतर्क रहे. तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली, बुरा ना मानो होली है, सब आज विश कर रहा हूं. क्या वादा, आज आपका आखिरी दिन हो. पूरा आज का एपिसोड देखा, कैसे उस दूध वाले ने दूध में जहर मिला के, उस गोले वाले ने काला खट्टा में फिनाइल मिला के, और उस बावर्ची ने पिज्जा में पाइनएप्पल मिला के पूरे परिवार को मार डाला. अनीता शुक्र है प्राइम कंट्रोल का हम एक एक एपिसोड देखते हैं, वरना हमारे पति तो पक्के मर गए होते. तू ध्यान दे ठीक है. तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, हैप्पी थैंक्सगिविंग, हैप्पी दिवाली, बुरा ना मानो होली, सब आज विश कर रही हूं. क्या पता आज हमारा आखिरी दिन हो. बाय. ओह शिट. गधा है तू, गधा एक नंबर का. तेरे को किस बात के पैसे देता हूँ, घास काटने के या मेरा काटने के? सावधान रहे, सतर्क रहे. अभी अगर तूने नीम के डंडे काटे मैं तेरी पगार काट दूंगा, समझा? दफा हो जा, गधा गई का. एक से एक काम चोर भर्ती करके रखे मैंने, क्या होगा इनका? आज मेरा आखिरी दिन है, खुशी से जी लो तुम. क्यों, तुम घर छोड़ के जा रही हो क्या? आज तुम्हारी वजह से इस घर में कत्ल होने वाला है. कत्ल? कत्ल? कौन सा कत्ल, कैसा कत्ल और कौन कत्ल करेगा? वो माली. ये तुमने उसके दिमाग में जुर्म की एक नई परिभाषा रच दी. अबे ओ 8वीं कक्षा की हिंदी टेक्स्ट बुक, क्या बकवास कर रही हो? पक्का नहीं जो उसका भी वो वाला सीन चल रहा होगा जिसमें ऐसे विलन टाइप एक्टिंग कर रहा होगा. टीवी देख देख के ना तेरा दिमाग सड़ गया है, पागल हो गई है तू. तुम्हारी वजह से एक मासूम बच्चा सीरियल किलर बन जाएगा और तुम्हारा कत्ल कर देगा, और मैं हमेशा के लिए ब्लैक विडो हो जाऊंगी, मेरा मतलब येलो विडो हो जाऊंगी. कभी उसको मैंने बचपन से अपनी गोद में खिलाया है, उसी गोद में चढ़ के वो तुम्हारा गला काटेगा. अरे उसको पौधे से पेड़ मैंने बनाया है, और वही पेड़ पे चढ़ के घर में घुसेगा और तुम्हारा पौधा काट देगा वो, और फिर मुझे साइड में देखेगा और सोचेगा ये तो साइड कैरेक्टर है, इसको भी मार देता हूँ. शो में इमोशन ज्यादा आएगा, ऑडियंस को ज्यादा सिंपैथी फील होगा. पापा मैंने कहा था मेरे को इस लड़की से शादी नहीं करनी है, पागल है ये. अभी आपकी वजह से वो प्लानिंग कर रहा होगा, हमारे टुकड़े टुकड़े करके हमें काट देगा वो. काट दिया. गुलाब के फूल में काटे रहेंगे वो चुभेंगे तो काटूंगा ही ना. गुलाब के फूल और उसके कांटे की बात कर रहा है वो. बेटा मेरी बात सुन, तेरे को हमारी किसी बात का बुरा तो नहीं लगता ना?
नहीं, हम लोग अच्छे लोग, दिल से बहुत अच्छे लोग। ये आदमी मनुष्य है, इसको छोड़, इसको नौकरों से ना बात करने की। देखो आशु के कपड़े चाहिए, आशु पलट गई। देखो आशु का रूम चाहिए, आशु का रूम ले लो, उसको हम गार्डन में सला देंगे। माना कर बेटा, ठीक है मैं रात को आता हूँ। इसको नीचे रख, नीचे रख। काय को आएगा रात को तू? हम सब पगार लेने। कोई जरूरत नहीं, मैं तेरे को जीपे कर दूंगी। तू अभी काम बंद करो, ड्राइवर के साथ जाके रोक, उसको कुछ काम है। ओके साहब। अरे क्या कर रहे हो आप? एक खूनी को दूसरे खूनी से क्यों मिला रहे हो? लो अभी हमारा ड्राइवर भी खूनी बन गया। जब भी घर लेके आते देखा है, कैसी कैसी गलियों से लेके आता है वो। यार क्या एक्टिंग कर रहा आशीष भाई, ऐसे मम्मी यार बहुत अच्छा एक्टर है कसम से भाई, मेरे को बहुत मजा लगता है। वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर एज एक्टर, यार क्या एक्टर है कसम से। ये मेल में तो अच्छा करता है भाई, पर फीमेल बनकर आता वो भाई साहब। क्योंकि हमारा घर ही गलियों में है पागल। आपने उस ड्राइवर की आंखें देखी है? हमेशा खून से लाल रहती है। अरे उसका बीपी हाई है इसलिए उसकी आंखें लाल और खून से भरी रहती है बेचारे गरीब की। तुम्हारा बस चले तो मेरे पे भी शक करो तुम। मेरे को तो 100% श्योर है आपका चक्कर चल रहा है। तू एक काम कर, तू ये टीवी ले और मेरा सर फोड़ दे। पागल हो गई है तू। देखना एक दिन मेरा यही पागलपन तुम्हारी जान बचाएगा। इस घर में मैं भी पागल हो जाऊं। अरे क्या कर रहे हो, सावधान रहो, सतर्क रहो। चुप पागल। बर्बाद कर दिया है इस फैमिली ने मुझे। ये वॉचमैन 12:30 से कहां गायब रहता है रोज? ये किसके साथ किडनैपिंग की प्लानिंग कर रहा है? 5 मिनट में क्या हो जाएगा, कितनी नौटंकी है, बैठ ना। अरे मम्मी ये मेरा दोस्त है रोहित। दोस्त? बेटे का दोस्त? इन सब पे बिल्कुल विश्वास मत करना, सावधान रहे, सतर्क रहे। आशु बेटा तूने कभी इस दोस्त के बारे में बताया नहीं है। एक्चुअली आंटी हम लोग आज ही मिले हैं और आज ही आशु मेरा नया नया दोस्त बना है। नया मतलब? अभी अभी नया मुर्गा फंसा है मैंने, फिर तुम्हारे खानदान के करीब आऊंगा और सबको खल्लास कर दूंगा। खल्लास हो गई पार्टी। फिर आशु ने बोला चल मैं तुझे अपना घर दिखाता हूँ, माँ बाप से मिलाता हूँ। टचवुड यार आपका घर बहुत अलीशान है। कितना पैसा होगा इधर? ये अकेला झूमर ना 50,000 का होगा। नहीं नहीं बेटा हमारे पास कोई पैसा नहीं है, ये घर वर सब ऐसा दिखावे के लिए। हम लोग लुटे हैं बेटा, फकीर हैं हम लोग। ये तकिए भी लोन वोन पे लिए हुए, कुछ पैसा नहीं है घर में, तो थोड़ा भी कैश नहीं है बेटा। पहले ये झूमर उतारूंगा फिर तेरे बेजे में गोलियां उतारूंगा। नहीं उतारना बेटा, मत उतारना। उतारूंगा उतारूंगा यार, पहले जशन को उतारूंगा, उसके बाद तुझे कॉलेज उतारते हुए मैं अपने घर चले जाऊंगा। बेटा तुम एक बात बता, तुम काम क्या करते हो? मर्डर करता हूँ। मर्डर? मर्डर? मर्डर नहीं, मटन की शॉप है मेरी आंटी 4 नंबर में, खुद के नाम पे खोली है। मैंने आशु को बोला भी कि आपको लेके आए मेरे शॉप पे। क्यों मुझे क्यों? ताकि तेरा गला काट सकूं बुढ़िया। बता किधर है टिचोरी, किधर है टिचोरी? नहीं है बेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज हमें छोड़ दो बेटा। आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम कहाँ है? आंटी वॉशरूम, वॉशरूम। अरे छोड़ यार, पता नहीं क्या हो गया मम्मी को, वॉशरूम उधर है तुझा। नहीं नहीं तुम किधर नहीं जाओगे, इधर ही बैठो, कोई सुसु करने की जरूरत नहीं है। तुम एक बात बताओ ये पट्टी क्यों लगी है तुम्हें? अरे आंटी कोई बड़ी बात नहीं है, एक्चुअली मैं कट मार रहा था। कट? कितना गला काट रहे थे तुम? नहीं नहीं आंटी मैं गले वाले नहीं काट रहा था, मैं एक्चुअली बाइक से किसी को कट मार रहा था, मैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया मेरा, उसका लगा मुझे। एक्सीडेंट? किसकी चेन चुरा रहे थे तुम? चेन? आंटी मैं चेन में नहीं चुरा था, आप मेरे को गलत समझ रहे। नहीं आशु तो शक्ल से ही लगता है नंगी आंटियों के नंगे पैरों से चेन चुराता है। अरे मम्मी कुछ भी बकवास क्यों कर रही है यार, तुम एक बात बताओ तुम्हारा बाप क्या करता है? आंटी वो जेल। जेल? तुम्हारा बाप जेल में? जेल नहीं, जेल वार्डन है। अच्छा तो तेरा बाप जेल का वार्डन है, मतलब अगर तुम मर्डर करे तो तेरा बाप तेरे को जेल से निकलवा सके। मैं बता रही हूँ ये नेपोटिज्म में मर्डर भी करवाना है। तू चल यार, चल पागल हो गए, मम्मी पूरा दिन प्रैंक कंट्रोल देखते रहते। चल तू चल, चले जा बेटा, चले जा, तू भी जुर्म के रास्ते में चले जा। सावधान कैसे रहूं, सतर्क कैसे रहूं मैं? अरे नहीं वनीता, स्वागरात पे तो आजकल रेडबुल पिलाते, हमारे टाइम पे तो कॉफी पिलाते थे, बोलते थे पूरी रात जागना है। अच्छा सुनो। हाँ चल, मेरा पति आया, मूड खराब करके तेरे को कॉल करती हूँ। चल बाय। शिल्पा का फोन आया था, घर बुला रही है, चलना है। क्यों इतनी रात को तुम्हें अपनी बहन के पास क्यों जाना है? उसकी टांग में दर्द है इसलिए बुलाया है। वो तो होगा ही, दूसरों की बातों में टांग अड़ाएगी तो टांग में तो दर्द होगा ना। अरे मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम उसे है। जब भी घर पे आती है कितने ताने मारती है, देखा है? हमेशा पापा जी की तस्वीर की तरफ देखेगी और बोलेगी पापा जी कितनी जल्दी चले गए, ऐसा टर्न करके मेरी तरफ देखती है। टर्न करके मेरी तरफ तो ऐसे देखती है मेरी वजह से तुम्हारा बाप जल्दी चले गया। अगर उस लॉजिक के हिसाब से चले तो ये नीरव मोदी, विजय माल्या और हर्षद मेहता के स्कैम के न्यूज के टाइम तो मुझे स्लोली टर्न होकर इसकी तरफ देखना चाहिए ना, क्योंकि असली चोर तो वो है। देखो मेरी बहन को चोर मत कहो तुम। जिंदगी में मैंने सिर्फ एक बार उसके हाथ की चाय पी थी, उसमें भी दूध फटा हुआ था। अरे वो चाय नहीं पनीर बटर मसाला था। सोचो तुम्हारी बहन पनीर बटर मसाला में इतना शक्कर डालती है कि लोग पी के सोचते होंगे चाय है। अरे बस कर माते, बस कर। दूसरों की ननद अपनी भाभियों को हीरे जवाहरात और प्यार देती है,
तुम्हारी बहन ने सरदर्द और कोरोना के अलावा मुझे दिया ही क्या है? देखो, उसे तभी नहीं मालूम था कि उसे कोविड है। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि वो बेवकूफ है, उसमें मेरी गलती है क्या? और बेवकूफी से याद आया, उसने हमारी बेटी कमला के बारे में कितनी बुराई की थी बाहर। उसने कहा कि हमारी बेटी कमला ने उसकी बेटी दिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो कमला ने उनकी जिंदगी बर्बाद तो की है, कमला ने दिया को दिवाली पे पूरी तरह जला दिया था। बेचारी सर से टकली हो गई, अभी भी मोहल्ले से जाती है, बेचारे बच्चे उसको कटप्पा बुलाते। कटप्पा? कोई लड़की को कटप्पा बुलाएगा तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही जाएगी ना। तुम्हारी बहन ने वैसे भी पूरे परिवार की पीठ में छुरा जो बोका है, तो उसकी बेटी को कटप्पा नहीं तो क्या कैप्टन अमेरिका बुलाएंगे? मेरे को आना ही नहीं चाहिए था रूम में, चुपचाप चले जाता, सुखी होता। उस धोखेबाज बहन के लिए तुम रात के 11:30 बजे अपनी प्यारी बीवी और नाकारे आशु को घर में अकेला छोड़ के जा रहे हो। अरे जाना पड़ता है, मेरी माँ भाई का फर्ज निभाना पड़ता है। अपने भाई को बोलो ना जाए अपनी बहन के पास, उसका तो प्यार फटते रहता है उसके ऊपर। अरे वो नहीं जा सकता, उसके पेट में दर्द है। तो जिंदगी भर दूसरों की बुराई करते रहेगा तो पेट में तो दर्द होगा ही ना। भाई पे आ गई है, अभी इसको भाई से भी तकलीफ है। उस दिन जब वो घर पे आया था तो मेरे को देख के बोलते हैं, भाभी आपका और भैया का प्यार मुझे आज भी दिख रहा है। तो इसमें गलत क्या बोला है, तो तारीफ ही हुई ना। ये बात वो मेरे पेट की तरफ देख के बोल रहा था। तुम्हारा भाई कहना क्या चाहता है? मतलब मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आ गया, मैं प्रेग्नेंट हूँ? वो ये कहने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा पति इतना खिलाता पिलाता है कि खुशी के मारे तुम्हारा पेट निकला है। नहीं, तुम्हारा भाई कह रहा था कि मैं पेट से हूँ। हाँ, पेट से तो तुम हो भूखी। देखो टॉपिक मत चेंज करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम्हारा भाई कितना घटिया आदमी है, पूरा टाइम बाहर घूमते रहता है, काम धंधा तो है नहीं उसको कुछ। अरे वो टूर गाइड है, बाहर घूमना है उसका काम धंधा है, पागल औरत। तो टूर पे तुम्हारा भाई करता क्या है तुम्हें मालूम है? लड़कियों को लोनावला लेके जाता है, बोलता है मैडम वो देखिए टाइगर पॉइंट, थोड़ा नीचे चलोगी ना टाइगर का मेन पॉइंट दिखाऊंगा मैं तुमको। अरे वो टाइगर पॉइंट का मेन पॉइंट उसकी गुफाएं, अभी वो दूसरी लड़कियों को गुफाएं भी नहीं दिखाए। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे भाई का लड़कियों में कितना नाम खराब है? मेरे भाई का नाम लड़कियों में खराब है ये तुम्हें कैसे पता? तुम तो आंटी हो। तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारा भाई कितना बड़ा पियक्कड़ है? तो क्यों पीती हो उसके साथ इतना? मैं नहीं पीती हूँ उसके साथ। उस दिनों पीके उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की है तुम्हें मालूम है? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की? मुझे बोलता है कि भाभी आप खाना कितना घटिया बनाती हो, ऐसे मैं भाभी को बोलता है। दारू पी के आदमी सच नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा? गलती ये कि इतने साल से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि तुम्हारा खाना अच्छा है। झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, साले को छोड़ूंगा नहीं। साले ने झूठ कैसे बोला तुम्हें? अगर इतनी तकलीफ है उसे मेरे खाने की तो आज सुबह को नाश्ता क्यों करके गया हो मेरे हाथ का? तभी सोचू उसका पेट क्यों खराब है। अरे बेचारा, अभी ऑपरेशन करके उसका पेट काट के पूरा खाना निकालना पड़ेगा, सॉरी कचरा निकालना पड़ेगा जो तुमने बनाया। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो अपने जुलाबी भाई के साथ जाके रहो ना। मेरे खाने से इतनी तकलीफ है तो अपनी लंगड़ी बहन की टांग खाओ ना। मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो तुम? उसकी जरूरत क्या है? तुम्हारे गंदे पराठे और गर्मा गर्म ताने मैंने खा लिए, आज का कोटा फुल हो गया, मुझे और कुछ नहीं खा रहे। ठीक है, बाय बाय। वापस रूम में मत आना तुम, बाहर हॉल में ही सोना। मतलब आज मैं शांति से सोऊंगा। क्या बात है पापा, इतनी सी बात पे घर छोड़ के जा रहे हो? घर के कागज तो दे दो। एक चमाट मारूंगा ना, जाके किचन के बर्तनों पे गिरेगा, समझा? चल जा तकिया लेके आ, और तू तू हॉल में सोएगा, मैं तेरे रूम में सोऊंगा। यार पापा ये गलत बात है, आप लोगों के झगड़े के चक्कर में मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? अभी मेरे को हॉल में सोना पड़ेगा। और ये मम्मी को तो काम धंधा है नहीं, बस चिढ़ती तो रहती है पूरा दिन। ए खींच के दूंगा ना, फिर अकल आएगी। अपने माँ के बारे में ऐसे बात करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? पापा मैं तो आपका साइड ले रहा था, अभी तो आप झगड़ा करके। अरे तेरी माँ के साथ तो मैं ऐसे ही झगड़ा करता हूँ, इसके ये नोक झोंक, इसके जो ताने सुनता हूँ ना तो मजा आता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही चिड़चिड़ करती थी बेटा, बात बात पे डांटती थी, ताने मारती थी पापा को, मुझे। तभी मैं भी तेरी तरह यही सोचता था कि ये मम्मी इतना चिड़चिड़ क्यों कर रही है। आज वही ताने, वही डांट और वही चिड़चिड़ की बहुत याद आती है बेटा। अभी मेरी मम्मी तो है नहीं इधर, तो बस अपनी मम्मी को इसमें ढूंढता रहता हूँ, और मिल भी जाती है कभी कभी। तू शुक्र कर तेरी माँ तो है, क्योंकि एक दिन यही झगड़े यही चिड़चिड़ तुझे भी याद आएगी। अरे ऐसे कैसे डिवोर्स दे दोगी तुम? सारी जिंदगी छाती पे चढ़ के नाचोगी ना? पूरा टाइम चिड़चिड़ करती रहती हो, शर्म नहीं है तुम्हें? अभी देखता हूँ। हैप्पी मदर्स।
हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सबसे इम्पोर्टेंट, आप सभी औरतों को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कर दिया। गर्मी है भाई, मेरी हालत खराब हो गई देख में। अच्छा सुनो, सबसे इम्पोर्टेंट, प्लीज अपनी तबियत का ध्यान दे, बाहर नहीं निकले और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ऑल्सो गाइस, अगर आपको इन्वेस्ट करना है डिजिटल गोल्ड में तो जाके डाउनलोड करें अपस्टॉक्स गोल्ड। इसमें फ्री में अकाउंट ओपन हो जाता है और जैसे ही ओपन होता है आपको 51 रुपीस का फ्री ई गोल्ड मिलता है। तो जाकर डाउनलोड करें अपस्टॉक्स गोल्ड, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। भाई वीडियो खत्म। वीडियो पूछोगे क्या छोटा? नाइस, ओके ओके, मजेदार, अच्छी बात है। इतना टाइम लगा बट वीडियो अच्छा था। फैमिली फ्रेंडली, आई मीन फैमिली फ्रेंडली क्लीन कॉमेडी बहुत अच्छा था। मैं बीच बीच में बोल ही रहा था भाई इसका एक्टिंग क्या जबरदस्त है यार, ये पापा करवाला हो मम्मी करवाला तो बहुत अच्छा करता है और ओरिजिनल आशीष वाला तो ये करता ही है भाई अपना यार, पर लास्ट में थोड़ा इमोशनल कर दिया। बात तो सही बोला यार इसके पापा ने, वीडियो वाले पापा ने। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यार, फैमिली कॉमेडी भी था, हल्का सा इमोशनल था लास्ट में, एंड वैसे मैसेज भी अच्छा दिया वैसे कि बेटों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, बेटों को क्या बच्चों को आई मीन। भाई नया बहुत अच्छा वीडियो था यार, लाइक बोल रहा ना अभी करता हूँ, रुको भाई साहब करूँ, कर देते हैं है? करूँ, हाँ कर दो, लो लाइक कर दिया मैंने। तुम भी ऐसी मेरा लाइक करना वीडियो, रिएक्शन वीडियो, ठीक है, अच्छा लगा तो ठीक है और शेयर करना सब में। चैनल मैंने तो शुरू में बोला था सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा और कौन सा सीन में मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तुम्हें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक और नए विस्पैट के रिएक्शन वीडियो के साथ कल माइनक्राफ्ट वाला, तो बने रहिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो मिलेंगे फिर कल ही, तब तक ले टाटा, बाय बाय।